अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां साहब द दुबई व्लॉग्स। आज की वीडियो एक भाई की फरमाइश पे है। लास्ट वीडियो यार मैंने बनाई थी, बताया था आपको कि मतलब जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स की मार्केट में कम एजुकेटेड लोग वो जॉब करना चाह रहे हैं, तो आप इस मार्केट में आ जाएं ड्रैगन मार्ट में। तो एक भाई ने बताया कि कैसे जॉब मिलती है, कितनी सैलरी होती है, इसका थोड़ा सा मुझे डिटेल्स बता दें। तो डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें हमारा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा अगर आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए हो। तो इसमें ऐसा है कि भाई का ताल्लुक़ है डीजी खान से। डीजी खान से बहुत से लोग हैं हमारे इस मार्केट में, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आते हैं आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं सबसे पहले। वो भाई ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद अपनी गाड़ी लेते हैं, पिकअप और डिलीवरी का काम स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम है यहाँ पे इस मार्केट में। जहाँ तक सेल्समैन की जॉब की बात कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, अगर आप बंदे नए हैं, फ्रेश बंदे हैं, तो आपको 3 महीने का वीज़ा लेना है। आप वीज़ा लेके आ गए मार्केट में, आए मार्केट में आए तो आपको विज़िट करें, हज़ारों शॉप्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उनमें ऐसा है कि शॉप के बाहर उन्होंने पेपर लगाया होता है, जिसको नीट सेल्समैन की ज़रूरत होती है, जिसको कोई अकाउंटेंट चाहिए, किसी को लेबर का बंदा चाहिए, किसी को किसी भी फील्ड का बंदा चाहिए, तो उन्होंने अपनी शॉप के बाहर शीशे पे पेपर अटैच किया होता है कि हमें इतना सेलमैन चाहिए, एक्सपीरियंस हो, फ्रेश हो, ये डिटेल पेपर पे लिखी होती है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको विज़िट करवाऊंगा और एक दो पेपर भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो करना क्या होता है, आप आ गए हैं वहाँ पर, अपनी CV तैयार करें। CV पे आपका अपना दुबई का एड्रेस होना चाहिए, दुबई की आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, CV प्रॉपर तरीके से आपकी तैयार हो। अपनी CV अपने हाथ में पकड़ें, उसके पास जाएं, पूछें, मतलब आप जैसे अपनी ज़ुबान में इंग्लिश में आपने बात करनी है मोस्टली उनसे, मतलब पूछता है बंदा कि आपको सेलमैन की ज़रूरत है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो फिर आपसे इंटरव्यू एट अ टाइम इंटरव्यू लेते हैं, उसी टाइम पर आपसे इंटरव्यू क्या होता है बस इंटरव्यू क्या होता है बस वो आपसे सिर्फ पूछते हैं कि आपका ताल्लुक, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एज, ये वो, जब बला बला थोड़ा सा तारुफ करवाते हैं उनको। बंदा अपेयरेंस से अगर उनको ठीक लगे तो वो चाइनीज़ होते हैं, उनके मैनेजर या वो जो बॉस होता है, ओनर होता है, वो खुद बैठा होता है बेशक, तो उनको अच्छा लगे तो जॉब आपको ऐसे देता है कि आपको कहेगा ठीक है आप कल से आ जाओ। इसमें तरीकाकार ये है कि आप विज़िट पे आए हैं, उसने आपको रख लिया, ठीक है आप कल से आ जाओ, वो आपका 10 दिन का 15 दिन का 20 दिन का 1 महीने का, कुछ कंपनीज़ 2-2 महीने का भी ट्रायल लेती हैं आपसे, देखेंगे आप काम कैसे करते हैं, आपका आपकी मतलब आप लर्न कितना करते हैं, कितनी जल्दी आप अपने आप को मतलब सेल्स के काबिल बनाते हैं, आप उनको सेल्स देते हैं कोई ना कोई। सबसे पहले होता है इनका टारगेट कि जो भी बंदा ट्रायल पे आता है 10 दिन का 15 दिन का या महीने का, वो देखते हैं कि ये इनवाइस कितने दिनों में बना रहा है, पहली इनवाइस, पहली सेल कितने दिनों में कर रहा है और कितना एक्टिव है, ये चीज़ें वो चेक करते हैं। अगर तो बंदा उनको समझ आ जाता है तो फिर वो कह देते हैं ओके ब्रिंग योर पासपोर्ट, वो आपसे आपका पासपोर्ट मांग ले। जब वो आपसे आपका पासपोर्ट मांग रहे हैं, समझिए आपकी जॉब पक्की हो गई। दूसरी तरफ जो ये है कि अगर वो आपको पसंद नहीं करते, मतलब उसको आप अच्छे नहीं लगे, आपका काम करने का स्टाइल या जो भी वट एवर कोई भी रीज़न हो सकती है, वो आपको 10 दिन के बाद कह देगा हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, और आपको 10 दिन के जितने पैसे बनेंगे, 1 दिन का 80 दरहम या 100 दरहम या जितना भी बनता है, जो वेज रेट चल रहा है यहाँ पर, तकरीबन 80 दरहम या 100 दरहम आजकल का है, 100 दरहम आजकल का है, ठीक है, तो वो आपको 10 दिन के मतलब 1000 दरहम आपको देगा और आप जाओ छुट्टी, फिर आप अगली दुकान पे चले जाओ, कहीं और चले जाओ, उसे बता दो, आप अगली दुकान पे चले जाओ उसे बता दो, ठीक है, और वहाँ पे भी आपका यही प्रोसीजर है। और सैलरी आपका एक्सपेंसेस की बात कर लें इस मार्केट में आने के, आपको जो साथ ही अकोमोडेशन और साथ ही इंटरनेशनल सिटी की बिल्डिंग बनी हुई है, चाइना क्लस्टर, इंग्लैंड क्लस्टर, रशिया क्लस्टर, ये पूरे क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर्स ऑफ बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे मतलब आपको फ्लैट मिल जाएगा, बेड स्पेस मिलेगी, फ्लैट तो नहीं मिलेगा, बेड स्पेस मिलेगी आपको, जो इसका एक्सपेंस है बेड स्पेस का 450 से लेके आगे जितना मर्ज़ी आप ले जाएं, 500 पर मंथ आपको 500 दरहम पे करना पड़ेगा बेड स्पेस का, और खाने पीने का जो आपका ख़र्चा आएगा वो आपका आजकल महंगाई होगी काफ़ी ज़्यादा, आपका मतलब खाने रहने का और खाने पीने का यहाँ पे कम से कम खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम उल्लू का पट्टा होता, कम से कम खर्चा बता रहा हूँ आपको रहने का और खाने पीने का, आपका 1000 दरहम ईजीली लग जाएगा, 1000 दरहम ईजीली आपका ये खर्चा है मंथली,
ठीक है, पाकिस्तानी 50,000, और बाकी सैलरी आपकी 1800 आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से, 1800 या 2000। ये तरीकाकार है यहाँ पे जॉब ढूंढने का, जॉब करने का इसका। अगर आप इसी मार्केट में आना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था इसके फ़ायदे, पिछली वीडियो आप देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक भी दिया हुआ उसका। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको मार्केट का विज़िट करवाऊँगा, बिल्डिंग मटेरियल सेक्शन का आपको विज़िट करवाऊँगा, एक दो भाइयों से भी मिलवाऊँगा जो एज आ सेलमैन आए थे 3-4 साल के बाद, आज उनकी अपनी शॉप्स हैं, वो अपने एज आ बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ। चलें ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।